हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है अरेस्ट वारंट से बोखलाई नेतन्याहू इसराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और वे इसे बोखला गए हैं बोखला कर उन्होंने क्या कहा है समाचार एजेंसी ए के मुताबिक इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि गाज़ा पट्टी गाज़ा पट्टी और इसराइल के बीच में जैसा कि आप जानते हैं युद्ध चला हुआ है गाज़ा जंग के दौरान उनके आचरण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आई द्वारा उनके खिलाफ़ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और वह कह रहे हैं कि अरेस्ट वारंट चाहे जारी किया जाए लेकिन हम अपनी रक्षा से नहीं रुकेंगे नितनयाहू ने एक वीडियो स्टेटमेंट रिलीज किया है इसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल विरोधी कोई भी अपमानजनक फैसला हमें और यह भी यह मुझे भी हर तरह से अपने देश की रक्षा करने से नहीं रोकेगा हम दबाव के आगे नहीं झुकेंगे नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री यावो गैलेंट पर गाजा में उनके कामों के लिए युद्ध अपराध और मानवता के विरोध अपराध के आरोप हैं जैसा कि गाजा के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ा हुआ है युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप लगाए गए हैं उनके खिलाफ और इन आरोपों के बाद उनके खिलाफ आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल ने अरेस्ट वारंट जारी किया है इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया आईसीसी इंसानियत का दुश्मन बन गया नेतन्याहू ने कहा कि संगठन का फैसला राष्ट्रों के इतिहास का काला दिन है उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्था के जरिए लगाए गए आरोपों को भी पूरी तरह से निराधार बताते हुए इनकार किया ये आप देख पा रहे हैं आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ऑफ क्रिमिनल का है लॉस लाइफ से ज्यादा गाजा पट्टी में मौतें हो गई हैं इसराइल में सात अक्टूबर दो से गाजा में संघर्ष में लगा हुआ है इसी दिन हमास ने यहूदी मुल्क पर हमला किया था इस हमले में बारह लोगों की मौत हुई थी इसके बाद से इसराइल लगातार गाजा पर हमला करता रहा है अभी तक इन हमलों में गाजा में चवालीस हजार से ज्यादा लोगों की जाने जा चुकी हैं मरने वालों में ज्यादातर आम लोग ही शामिल हैं आईसीसी की आईसीसी को यह मानने के लिए उचित आधार मिले हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और याव गैलेंट गाजा में किए गए जितने भी युद्ध अपराध हैं उनके लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार है इस कारण ही उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है जिसमें युद्ध के तरीके के रूप में भूखमरी का इस्तेमाल साथ ही इंसानियत के खिलाफ अपराध जैसे हत्या उत्पीड़न और अन्य अमानवीय काम शामिल हैं और इनमें मेन बात यह है कि जो ये अपराध हैं आम लोगों के खिलाफ है हमास के दईफ के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है नेतन्याहू ने अदालत के निष्कर्षों को खारिज कर दिया और इसराइल के खिलाफ आरोपों को काल्पनिक अपराध कहा और तर्क दिया कि इसराइल और दुनिया भर में अन्य देशों के खिलाफ किए जा रहे वास्तविक युद्ध अपराधों को नजरअंदाज किया जा रहा है नेतन्याहू और कैलेंट के अलावा अदालत ने हमास की सैन्य शाखा के एक प्रमुख मोहम्मद दईफ के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया इसराइल ने पहले बताया था कि पिछले जुलाई में हवाई हमले के में देफ मारा गया था हालांकि हमास ने कभी उसकी मौत की पुष्टि नहीं की है इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चला हुआ है इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और हमास के जो प्रमुख है मोहम्मद दईफ दोनों खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू दोस्तों जय हिंद जय भारत